प्रेमी कबीर सिंह गांव महमदपुर रोही जिला फतेहाबाद से शहंशाह मस्ताना जी महाराज के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। कार्तिक 1955 की बात है कि चन्नन सिंह साबका सरपंच गांव बीर बड़ावला जिला करनाल से, जो कि उसका बहनोई था, खेती करने के लिए गांव महमदपुर रोही में 2 साल से रह रहा था। उसकी 10 एकड़ जमीन महमदपुर रोही में थी। उस समय डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम की 4 दीवारी बनी नहीं हुई थी। बिप्रवाह मस्ताना जी के हुक्म से डेरे के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाई जा रही थी। कबीर के बहनोई चन्नन सिंह के खेत में बहुत ही कांटेदार झाड़ियां थी, जिनको काट कर खेत में ही जलाने के लिए ढेरियां लगाई हुई थी। उसने खेत को साफ करके जमीन में बुआई करनी थी। कबीर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही के 2 सेवादारों को साथ लेकर चन्नन सिंह के खेत में से ढेरियों को 2 बैलगाड़ियों में भरकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में ले आया और डेरे में बाड़ लगा दी। उसने सोचा कि वह उसका रिश्तेदार है, दूसरा उसने तो आग ही लगानी है, इसलिए वह उससे बिना पूछे ही कांटेदार झाड़ियां डेरे में ले आया। चन्नन सिंह प्रेमियों से बहुत ही ईर्ष्या किया करता था। वह दूसरे दिन एक बोतल शराब पीकर डेरे की बाड़ उखाड़ने लगा। उसे सभी ने रोका कि तू ऐसा न कर, तूने तो इसे आग में ही जलाना है। वह कहने लगा, मैं तो इन्हें जलाऊंगा, पर डेरा में मैं ये बाड़ नहीं लगने दूंगा। इतने में वहां पर बहुत सारे प्रेमी और आ गए। सभी ने कहा, तूने तो जलानी ही है, तू बाड़ न उखाड़, पर वह नहीं माना। उसने सारी बाड़ जो कुछ देर पहले लगाई गई थी उखाड़ दी और डेरे के बाहर की तरफ रख ली। प्रेमी उसे कहने लगे कि अब रात हो गई है, अब रात के समय तू इसे आग मत लगाना, सुबह लगा लेना। वह इस बात पर सहमत हो गया कि वह सुबह आग लगाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। उस रात चन्नन सिंह ऊंची खाट पर सोया हुआ था। उसने खाट के पांव के नीचे ईंटें चुनकर उसे ऊंचा किया हुआ था। आधी रात का समय था। उसे शहंशाह मस्ताना जी के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। शहंशाह जी के हाथ में लाठी थी। शहंशाह जी ने उसे लाठियां मारनी शुरू कर दी। चन्नन सिंह जोर जोर से चिल्ला रहा था और शोर मचा रहा था कि सच्चे सौदे वाले बाबा जी मुझे पीट रहे हैं, मुझे छुड़ाओ। शहंशाह जी ने उसे लाठियां मार मार कर खाट से नीचे गिरा दिया। अब चन्नन सिंह सर्व सामर्थ सतगुरु जी से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि बाबा जी मुझे न मारो, मैं बाड़ अभी लगा दूंगा। शहंशाह जी ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि तूने 7 दिन नंगे पांव डेरे की बाड़ लगानी है। चन्नन सिंह उठा और उसी रात को राम हलवाई से 13 किलो मिठाई लेकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में पहुंचा। उस समय 20-25 प्रेमी वहां मौजूद थे। कबीर सिंह भी वहीं मौजूद था। सबसे पहले उसने कबीर को आवाज लगाई। पहले उसकी आवाज भारी थी, फिर पतली हो गई। उसने सभी से माफी मांगी और सारी बात सुनाई। वह डर के कारण अभी भी कांप रहा था। उसने सभी को मिठाई खिलाई और कहा कि मैं नंगे पांव डेरे की बाड़ खुद लगाऊंगा और नाम भी लूंगा। सतगुरु जी के वचनों अनुसार उसने नंगे पांव 7 दिन डेरे की बाड़ लगाई। 7 दिन बाद राजस्थान में नोहर के पास किकरा वाली में शहंशाह मस्ताना जी महाराज का सत्संग था। सभी चन्नन सिंह को लेकर वहां पहुंच गए। चन्नन सिंह ने दयालु सतगुरु जी से माफी मांगते हुए सारी बात सुनाई। दयालु शहंशाह जी ने सारी बात चन्नन सिंह से साध संगत के सामने स्पीकर में बुलवाई। उसी दिन चन्नन सिंह ने शहंशाह जी से नाम शब्द भी लिया। उसके बाद प्रेमी चन्नन सिंह अपने गाँव बीर बड़ालवा जिला करनाल से अपने साथ ढोल वाला वह 200 आदमी लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में आया। वहां सभी आदमी शहंशाह मस्ताना जी की हजूरी में बहुत नाचे, सब नाम ले गए। दयालु सतगुरु जी ने सबके गले में 4-4 रुपए की माला डाली और 200 रुपया इनाम दिया और वचन फरमाए, इन रुपयों की मिठाई लेकर गांव में खिलाना। इस साखी से स्पष्ट होता है कि सतगुरु सर्व सामर्थ होता है, वह जो चाहे सो कर सकता है, वह किसी के कर्म बनाने के लिए कोई भी बहाना बना सकता है। सतगुरु की रमज को कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। नमस्कार।